हेलो गाइस, अगर आप ये वीडियो दोस्त के फोन से देख रहे हैं क्योंकि आपका फोन नहीं है तो ये सब आपके लिए है। आपकी दादी माँ ने टमाटर से भरा जार दिया पर आपके पास इसे खोलने की कोई चीज नहीं है तो आपको सिर्फ एक कोहनी चाहिए। बेशक ये तो आपके पास होगी ही, आपको सिर्फ थोड़ी तेजी से ढक्कन के बिल्कुल बीच में मारना है और ये हो गया। इसके बाद आप आसानी से टमाटर ले सकते हैं। आपने कुछ अच्छा बनाने का सोचा और उसके लिए अंडे की सफेदी को मिलाना है। अगर आपके पास कोई मिक्सर नहीं है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे काफी वक्त लगेगा और हो सकता है ये काम भी ना करे। हैंडल को मेटल के हिस्से से अलग करके उसे ड्रिल में लगा दें। सबके पास ड्रिल तो होगी ही, यहाँ तक कि एक गरीब के पास भी। अब इसे ऑन करके सफेदी को अच्छे से मिला लें। ये काफी अच्छा है, बल्कि ये आम मिक्सर से भी बेहतर है। कुकी, इसे टेस्ट करो। ओहो, रानी साहिबा ये नहीं खाती। मान लीजिए किसी जादुई तरीके से आपको मांस का एक टुकड़ा मिला पर आप उसके मीट चॉप्स नहीं बना सकते क्योंकि मीट हैमर नहीं है। तब एक आम हथौड़ा और कांटे वाला चम्मच लें। अब इन्हें वीडियो में दिखाए गए तरीके से लगाकर इंसुलेटिंग टेप से आपस में चिपका दें। अब आपके पास एक बढ़िया मीट हैमर है। अब आप अपने इस टेस्टी खाने का मजा उसी टमाटर के साथ ले सकते हैं जिसे आपने कोहनी से खोला था। वैसे हमारे पास अमीर लोगों के लिए भी एक टिप है जो फूड रैप के खर्चे उठा सकते हैं। आप इसे जैसे ही बोर्ड से निकालेंगे और वाह, बोर्ड तो बिल्कुल साफ है। आपने रेजर कैसेट खरीदा पर हैंडल के पैसे नहीं है तो बस खाना खाने वाले कांटे का चम्मच लेकर हैंडल की जगह लगा लें। बहुत अच्छे। अब इससे आप अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों को शेव कर सकते हैं। आपको दो तारों को जोड़ना है पर सोल्डरिंग आयरन तो है नहीं, तब एक आम लाइटर की जरूरत है। पर इससे पहले एक मोटा तार लें जिसे काटकर कॉपर का तार निकाल लें। अब इसके सिरे को मोड़कर कुछ इस तरह का बना लें। फिर तार को इस तरह मोड़ें कि ये एक सांप की तरह दिखे, बिल्कुल ऐसा। फिर इस तरह से एक और बार घुमाएं। क्या मास्टरपीस है ना कुकी? अब गत्ते का एक छोटा टुकड़ा काटकर किचन फॉइल में लपेट दें। हम आपको ये आखिर में बताएंगे कि ये किस लिए है। फिर इसे लाइटर पर रखकर ऊपर से तार से दबाएं। अब इन्हें एक पतले तार से जोड़ दें ताकि ये बिल्कुल ऐसा दिखे। अब एक आम रबर बैंड लेकर एक बार घुमाएं और फिर इसे लाइटर पर इस तरह लगा दें। अब जब आप बटन दबाएंगे तो रबर बैंड इसे इस तरह दबाए रखेगा और ये लगातार जलता रहेगा। और ये हो गया। अब इसे इस तरह टेढ़ा करना है जिससे इसकी लौ से ये तार गर्म हो जाए और इससे आपको एक काम चलाऊ सोल्डरिंग आयरन मिल जाएगा। ये छोटे मोटे जरूरी तारों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने तार को इस तरह इसलिए मोड़ा जिससे कि गर्माहट को लाइटर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगे और इसमें फॉइल से ढका गत्ता भी लगा है जो कि लाइटर के केस को सीधे गर्म तार से छूने से बचाता है। और घुमाया हुआ पतला तार इसमें से ज्यादा गर्माहट को सोखने और उसे बाहर निकालने का काम करता है। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।